Hi everyone, this is Mo and welcome to the another episode of documentary video editing. और हर बार की तरह आज भी हम कुछ animations बनाना सीखेंगे, जैसे कि ये paper burn effect, slide animation, कुछ इस तरह का shining effect और कुछ ऐसा suspense वाले effect. अगर आप कुछ crime या फिर serious वाले documentaries बना रहे हो तो ये आपके बहुत काम आएगा. So let's start the video and see how I made this. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो मार्क लगा देता हूँ टाइमलाइन पर, एंड मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जैसे कि ये बैकग्राउंड, ये पेपर, और मेरे पास है ये बर्न वाला ग्रीन स्क्रीन जो कुछ ऐसा दिखता है. इस ग्रीन स्क्रीन पर हम एक इफेक्ट लगाएंगे की लाइट, और इस इंक वाला आइकन को सिलेक्ट करके मैं इस ग्रीन पार्ट पर टच कर दूंगा. अभी मैं इस पेपर वाले पीएनजी को डुप्लीकेट करता हूँ और एक को उस बर्न के ऊपर रखूंगा और एक को इसके नीचे. अभी यहाँ हम ट्रैक मैट का यूज़ करेंगे. हम इस बर्न वाली लेयर को इस पेपर के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह, जिससे ये ग्रीन स्क्रीन उस पेपर की साइज से कट आउट हो जाएगा. ये कुछ इस तरह आप देख सकते हैं. अभी ये जो नीचे वाला पेपर है इस पर भी कुछ काम करना पड़ेगा. पहले मार्कर पर आता हूँ, टी प्रेस करता हूँ जिसकी इसकी ऑपेसिटी ऑन हो जाती है. यहाँ पर एक की पेमेंट करना एंड देन दूसरे मार्कर पर जाना, वहाँ पर इसकी ऑपेसिटी को जीरो कर देना. हमें इन तीनों लेयर को बस बैकग्राउंड को छोड़कर इनको प्रीकंपोज कर देना है. एंड एट दी एंड ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है इसे भी हमें रिमूव करना है, तो इसमें भी हम वो की लाइट वाले इफेक्ट ऐड करेंगे एंड देन इंक वाले आइकन को सेट करके ब्लू पार्ट पे टच कर देंगे. तो अपना बेसिक काम हो गया है, ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब आप चाहें तो इस पर कुछ ओवरलेज लगा सकते हैं. मैं एक एडजस्टमेंट लेयर जोड़कर इस पर ग्लू इफेक्ट लगा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे. इनकी सेटिंग्स को आप जो चाहे वो रख लेना, और इन पर कुछ जूम इन या जूम आउट वाला एनिमेशन देना जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है. तो फिर एट द एंड ये कुछ ऐसा लगेगा. अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमेशन की ओर. इस पर कुछ फाइल्स ऐड करेंगे, जैसे कि मेरे पास है एक रेड का बैकग्राउंड, एक चेस बोर्ड और एक पीएनजी किंग का. मुझे पहले एक काम करना है कि इस मुझे इस चेस बोर्ड को थोड़ा बड़ा करना है, तो इस पर एक इफेक्ट ऐड करूंगा सीसी रेप्टाइल्स. एंड देन यहाँ की वैल्यू पर इसके लेफ्ट एंड राइट वाले वैल्यू को मैं 500 से बढ़ा लूँगा. ऊपर नीचे की वैल्यूज को भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. उसके बाद यहाँ न्यू पर जाकर एक कैमरा लेयर को भी ऐड कर देना. कैमरा लेयर को ऐड करने के बाद सभी को 3D तो बनाना ही पड़ेगा, और 3D में काम कर रहा है तो हमें दो स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ व्यू पर आकर इसे 2 व्यू पर सेट कर देना. यहाँ पर एक लेफ्ट वाला स्क्रीन है, उसको अभी के लिए मैं टॉप पर सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ अभी काम करने हैं. जैसे कि मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से जेड डायरेक्शन में मूव करता हूँ कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाए. अभी इस चेस बोर्ड और किंग के पीएनजी को भी सेट करना है एक साथ, और उसे भी कुछ सेंटर वाले जगह पर रख देना. ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए. अब जो है बैकग्राउंड का साइज छोटा है बहुत, तो उसे बड़ा कर देंगे. और अब लेफ्ट वाले स्क्रीन को मैं राइट पर सेट कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ये कैमरा है और ये हमारा चेस बोर्ड वाला लेयर है. अभी हमारे पास जो ये चेस बोर्ड है ये स्ट्रेट है ऊपर की तरफ, तो हम इसे 90 डिग्री घुमा देंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए नीचे की तरफ. और इस किंग वाले पीएनजी को उस चेस बोर्ड के ऊपर रखने का है, तो उसे ऊपर मूव कर देना. एंड नाउ इस चेस बोर्ड की साइज को भी आप बढ़ा देना. अभी आपको ओपन करना है कैमरा की प्रॉपर्टीज को. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पोजीशंस एंड जेड रोटेशन, इन तीनों पर आपको की फ्रेम लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना स्टार्टिंग सीन बनाना है. तो इसके लिए हमें अब कैमरे के साथ खेलना पड़ेगा. ये जो पॉइंट है ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम जिस पर फोकस करेंगे वो हमें राइट स्क्रीन पर दिखेगा. साथ ही कैमरे को कुछ इस तरह से आगे ले आना ताकि हमें राइट स्क्रीन पर कुछ ऐसा व्यू मिले. इसके जेड रोटेशन में भी कुछ चेंजेस करना ताकि ये थोड़ा सा तिरछा लगे. एक काम करते हैं, पहले तो मैं इस लेफ्ट स्क्रीन को टॉप पर सेट करता हूँ, और फिर कैमरे को थोड़ा सा राइट की साइड मूव करता हूँ, क्योंकि मुझे चेसबोर्ड का एक डिब्बा सेंटर पर चाहिए. और उस एक डिब्बे पर हम इस किंग वाले पीएनजी को लाकर सही से एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह. ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए. अभी फिर से हम इस लेफ्ट वाले स्क्रीन को राइट पे सेट कर देंगे, और इसे मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ कैमरा को ताकि ये ऐसा दिखे. फिर टाइम में कुछ आगे जाते हैं.
फिर कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा ऊपर करेंगे और इसके जेड रोटेशन में भी थोड़े से चेंजेस डालेंगे। ये सब करने से हमें कुछ इस तरह का मोशन देखने को मिलेगा। अब हमारा कैमरा वाला काम हो गया है तो हम इसे वन व्यू पर सेट कर देते हैं। अब इस किंग वाले पीएनजी पर एक टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए मेरे पास एक इफेक्ट है किसी लाइट स्वाइप, इतने इस पर ऐड करना। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको मूव करके आप इस पर कैसे भी तरह के शाइनिंग ला सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, टाइमलाइन की किसी एक जगह पर जैसे कि एक सेकंड पर आ जाता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को नीचे पे रखते हैं, फिर इसके स्टॉपवॉच पर क्लिक करके की फ्रेम ऐड करते हैं, टाइमलाइन पर कुछ इस तरह से आगे जाते हैं, देन उस पॉइंट को इस तरह से मूव करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। यहाँ दो की फ्रेम्स आ जाएंगे, दोनों सेलेक्ट कर लेना और कुछ इस तरह का फ्लो बना के इसे अप्लाई कर देना। और देखा जाए तो ये शाइनिंग कुछ ज्यादा ही पतला है, इसे मैं इस वैल्यू को बढ़ाकर मोटा कर सकता हूँ, तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर लेना। अब यहाँ के लाइटिंग्स पर यहाँ के कलर ग्रेडिंग को आप खुद कर लेना, जैसे कि मैं इस चेस बोर्ड पर सीसी मिनट इफेक्ट ऐड कर देता हूँ, साथ ही बैकग्राउंड पर भी ऐड कर देंगे। स्किन वाले पीएनजी को ज्यादा ही लाइट दिख रही है, इस पर एक्सपोजर वाले इफेक्ट ऐड करते हैं और साथ ही इस वैल्यू को कम कर देते हैं ताकि ये डार्क लगे। साथ ही एक एडजस्टमेंट लेयर जोड़ेंगे और उस पर ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे और कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे ये थोड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही इस पर भी सीसी मिनट इफेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक नल को ऐड करता हूँ। अब इस कैमरे को इस नल के साथ कनेक्ट करते हैं पेरेंट एंड लिंक वाले ऑप्शन से। चलो एनिमेशन कंपोजर पर जाते हैं, वही इफेक्ट ऐड करते हैं जो अपन लोग हमेशा हर वीडियो में करते रहते हैं, वो स्क्रीन विगल वाले इफेक्ट जो यहाँ पर मिलेगा इसे ऐड कर देना और इसकी इंटेंसिटी को आप सिर्फ 6 कर देना, तो फिर ये कुछ ऐसा लगेगा। कूल है ना? तो अब हम बनाएंगे स्लाइड एनिमेशन। तो इसके लिए मैं एक और कंपोजिशन बनाता हूँ जिसकी हाइट होगी 720 एंड इसकी विड्थ को बहुत ज़्यादा करेंगे जैसे कि 10,000, जिससे हमें एक लंबा कंपोजिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने वीडियो के टॉपिक के अनुसार देख लेना। फोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको इन्हें इस तरह से फैला फैला कर रखना है ताकि ये पूरा कंपोजिशन इस फोटो से भर जाए। सारे फोटोस एडजस्ट होने के बाद इस टेप टूल पर आना, एक बार अल्ट को प्रेस करते हुए टच करना तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और इस वाले ऑप्शन से हमें कटआउट करना है फोटोज़ पर। तो पहले तो आपको फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है, देन इस शेप को सेलेक्ट करना और इस तरह का कटआउट बनाना जो कि दिखने में सही दिख रहा है, और यही कटआउट आपको सभी में करना है। एक बार ये सब हो जाने के बाद हम अपने मेन कॉम्प पर वापस आ जाएंगे और अभी जो हमने नया कॉम्प बनाया था उसे इस पर ऐड कर देंगे। इसे मूव करते हुए सबसे पहले तो मैं पहले फोटो की ओर ले जाता हूँ, यहाँ इसकी पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करता हूँ। अब जाएंगे टाइमलाइन के एंड पॉइंट पर और इसे स्लाइड करते हुए हमें आगे ले जाना है और कुछ इस तरह से कोई भी फोटो पर फोकस करते हैं जैसे कि इस पर। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना और कुछ इस तरह का फ्लो बनाना जिसे आप अप्लाई कर देना। एंड नाउ इस लेयर को डुप्लीकेट करना, नीचे वाले लेयर पर हमको इफेक्ट ऐड करना है ट्रांसफॉर्म। इस इफेक्ट पर सिर्फ एक ही चेंजेस करना है, इसके स्केल वाले ऑप्शन पर जाकर इसे मैं 300 पर सेट कर दूंगा। एक और इफेक्ट ऐड करते हैं गॉसियन ब्लर और इसकी वैल्यू को मैं 50 कर देता हूँ। साथ ही एक लास्ट इफेक्ट एक्सपोजर और इसके लास्ट वाले ऑप्शन को कम कर दूंगा 0.5 से। एंड जैसा कि हम एडजस्टमेंट लेयर के साथ करते हैं उसे ऐड करने के बाद उस पर ग्लो इफेक्ट ऐड कर देंगे और कुछ इस तरह की वैल्यूज रखेंगे जो हमें अच्छी लगती है। एक लास्ट एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करना है और इस पर एक इफेक्ट लगाना है जो अपन लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं बेजियर वर्ब, और इसे यूज़ करना आपको पता ही होगा अगर आप मेरा पुराना वीडियोज़ देखते हैं। इसके कोनों को होल्ड करके आपको खींचना है कुछ इतना कि ताकि हमें कुछ कर्व टाइप का देखने को मिले, और इन सभी के मोशन ब्लर को आपको ऑन कर देना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलो अब नेक्स्ट एनिमेशन पर बढ़ते हैं। इस वाले एनिमेशन पर मैं एक एक लेयर पर काम करूंगा, जैसे कि सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। इस बैकग्राउंड पर इफेक्ट लगाना है वही जो हमने कुछ देर पहले ऐड किया था बेजियर वर्ब, लेकिन इस पर काम कुछ अलग करने हैं, जैसे कि इधर हमें सभी के स्टॉपवॉच पर क्लिक करके की फ्रेम लगा देना है बस लास्ट वाले को छोड़कर। अब टाइमलाइन के एंड पॉइंट पर जाओ और इनको कुछ इतना इतना खींच दो, थोड़ा ज़्यादा।
चलो नेक्स्ट क्लियर, कोई भी हमें यहाँ पर वर्ड लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एनिमेशन, तो सही से सेंटर पर एडजस्ट करना। इसका कलर मैं रेड रख रहा हूँ थोड़ा सा हॉरर बनाने के लिए। इसको सबसे पहले तो आपको प्रीकंपोज कर देना है, देन इस पे इफेक्ट ऐड करेंगे। उस इफेक्ट का नाम है सीसी स्केल वाइप। इसके सेटिंग्स पर आते हैं और इसके डायरेक्शन को नीचे कर देता हूँ, मतलब -180 डिग्री, और इसके स्ट्रेच वाले वैल्यू पर की फ्रेम ऐड करेंगे। देन टाइम लाइन के एंड पॉइंट पर जाएंगे और इसकी वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी टेक्स्ट पर एक इफेक्ट ऐड करते हैं, ग्लोब जो अपन लोग हमेशा से करते रहते हैं। और इसकी सेटिंग्स को आपको पता है कितना रखना है। नाउ नेक्स्ट काम एक सॉलिड ब्लैक लेयर ऐड करने का है। इस लेयर पर हमें एक फ्लिकर इफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए इसकी ऑपेसिटी ऑप्शन को ऑन करना, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करना, अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो को प्रेस करना, जिससे आप 0.10 सेकेंड आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आकर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। अब मैं इस दोनों की फ्रेम्स को कॉपी करता हूँ, फिर से 0.10 सेकेंड आगे बढ़ेंगे एंड उन की फ्रेम को पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से, तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इन सभी की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अल्ट को प्रेस करते हुए इनको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इन की फ्रेम्स को कॉपी करना और आगे कर देना, जो आपने पेस्ट किया है उसे और छोटा कर दो। नाउ इन छोटे वाले की फ्रेम्स को फिर से कॉपी करो एंड उसके आगे पेस्ट कर दो, और जो की फ्रेम्स आगे पेस्ट हुए उन्हें और छोटा कर दो, कुछ इस तरह। और इसी तरह से आपको आगे भी करते रहना है। शुरू में ये गैप बड़े रहेंगे, देन जैसे जैसे टाइम के आगे बढ़ते जाएंगे ये गैप छोटे होते जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इन सभी की फ्रेम को मैं सेलेक्ट करूंगा और इस टूगल होल्ड वाले ऑप्शन पर सेट कर दूंगा, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट लेयर अपना मेन कैरेक्टर को ऐड करते हैं। इसके स्केल वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। शुरू में ये थोड़ा बड़ा रहेगा, देन टाइम एंड के एंड पर जाते जाते ये छोटा हो जाएगा। और जो टेक्स्ट पर हमने ग्लो इफेक्ट ऐड किया था उसे हम इस कैरेक्टर पर भी ऐड कर देंगे, बाकी इसकी इंटेंसिटी को कम कर देना। ना यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करेंगे, यहाँ मैं कुछ अलग इफेक्ट ऐड करूँगा सीसी रेनफॉल, वो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी मैं इन सभी लेयर को सेट करके प्रीकंपोज कर देता हूँ। अब इस प्रीकंपोज पर एक इफेक्ट ऐड करना है, स्कैटर कंट्रोल, इस इफेक्ट को डुप्लीकेट कर देना, एक को रीनेम करना स्पीड और दूसरी को रीनेम करना वैल्यू। ये मैंने क्यों किया ये आपको बाद में बताता हूँ। अभी इस प्री कंपोज पर पी प्रेस करना, पोजिशन वाले स्टॉप वॉच पर अल्ट प्रेस करते हुए क्लिक करना, ताकि यहाँ पर इसका स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ स्क्रिप्ट लिखना है, विगल एंड इस तरह का ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज रहेंगे एक्स एंड वाई, जो एक्स होगा वो स्पीड होगा एंड जो वाई होगा वो पोजिशन की वैल्यू होगा। तो जैसे कि मैं स्पीड को 10 एंड वैल्यू को 15 रखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम इतने समय के साथ चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोई की फ्रेम इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो एक सलूशन भी है। अभी हमने एक इफेक्ट ऐड किया था स्लाइडर कंट्रोल, उसी से हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है मैं बताता हूँ। पहले तो अंदर की वैल्यूज को मैं हटा देता हूँ, इस थ्रेड वाले ऑप्शन को मैं ले जाता हूँ और ऊपर की स्पीड के स्लाइडर से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर उसका एक स्क्रिप्ट लिखा आ जाएगा, फिर एक कॉमा, देन उसके बाद फिर से इस थ्रेड को ले जाना, इसके बाद उस वैल्यू के स्लाइडर से कनेक्ट कर देना, जिससे उस वैल्यू वाले की स्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। बस काम यहाँ तक हो गया। अब आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं की फ्रेम के साथ, जैसे कि शुरुआत में ये दोनों 0 रहेंगे, यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब जाएंगे टाइम लाइन के एंड पॉइंट पर और स्पीड की वैल्यू को मैं 15 और पोजिशन की वैल्यू को 12 रख देता हूँ। तो देखो शुरुआत में ये बिल्कुल भी सेक नहीं करेगा, देन टाइम के आगे जाते जाते ये बहुत ही सेक करने लगेगा। एक लास्ट काम, मैं इस पर एक ओवरले लगा देता हूँ और इसके वैल्यू ऑप्शन पर जाकर इसे लीनियर डोज पर सेट कर देता हूँ, तो ये एट द एंड कुछ ऐसा लगेगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और भी ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।